अगर आपके पास दो चॉइसेस हों, एक TWS 2500 का और एक TWS 1400 का, दोनों सेम ही कंपनी के हों और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन भी बिल्कुल सेम हों, तो आप कौन सा लेंगे? यही सवाल मेरे पास भी आया था Realme Bud A3S और Realme TechLife Bud T100 को लेके। तो मैंने इनका कंपैरिजन किया और दोनों ही ले ली है। साउंड क्वालिटी दोनों की ही ठीक है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से 1000 रुपए का डिफरेंस है। तो अगर देखें तो Realme Bud Air की साउंड क्वालिटी थोड़ी ज्यादा बेटर है TechLife Bud से, लेकिन अगर आपको बेस हैवी चाहिए तो। अगर मैं माइक्रोफोन की बात करता हूँ तो मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं आई थी, दोनों की आवाज ठीक ही थी। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया था और उसको दोनों ही बड से कोई ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा था और दोनों में ही अच्छी वॉइस थी। बैटरी बैकअप देखें तो दोनों में ही सेम बैटरी बैकअप आता है। बट एयर 3S में आप दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा T100 में नहीं कर सकते। 3S एयर में एक सिलिकॉन टिप भी आती है जो आपके सपोर्ट करती है कानों को, लेकिन किसी किसी को वो इरिटेट भी कर सकती है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। कंक्लूजन में बस यही बोलूंगा, अगर आपके पास 2500 रुपए हैं तो बड 3S में जाइए, नहीं तो आप 1400 रुपए वाले T100 पे जाइए। डिफरेंस आपको बड 3S में सिर्फ यही मिलेगा, थोड़ी सी बेटर साउंड क्वालिटी, थोड़ी सी बेटर माइक क्वालिटी और दो डिवाइस कनेक्टिविटी, बाकी लगभग सब कुछ सेम है।